उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समोगा के भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी मंगलवार को दो पालियों में 73 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुआ। प्रभारी एडीएम सिटी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा 73 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा को आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम पाली में कुल 40,685 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से कुल 33,523 उपस्थित थे और 7,162 अनुपस्थित रहे। तो वहीं द्वितीय पाली में कुल 40,684 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 33,360 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 7,324 अनुपस्थित रहे। परीक्षा को सुचितापूर्वक संपन्न कराने के लिए 25 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 73 स्टैटिक मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था। साथ ही सेंटरों पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। पीटी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि पेपर मॉडरेट के साथ आसान था। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अभ्यर्थी मोहम्मद मुजम्मिल, अरविंद प्रजापति, अनिल वर्मा, प्रतिभा सिंह, कविता पटेल एवं पूजा प्रजापति और प्रभारी एडीएम सिटी राजेश कुमार सिंह ने कहा। गाड़ी से आगे अपना इधर से जाकर के लाए मोहम्मद मुजम्मिल। किस तरह पेपर अच्छा था, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी था। क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया अच्छा था, अच्छा हुआ पेपर, अच्छा लगा। किस सेक्शन से टफ रहा? रीजनिंग थोड़ा रफ था, बाकी सब बढ़िया था, बाकी सब ओके। मेरा नाम अरविंद प्रजापति है। किस तरह पेपर आया? पेपर जो ठीक ठाक था, देखा जाए तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रीजनिंग जो थोड़ा टफ थी। किन सेक्शनों से पेपर आया था? सेक्शन जिस लेवल का था थोड़ा उससे अबव था। सर अनिल वर्मा। किस तरह के पेपर आया? पेपर कॉमन था, मतलब कुछ हार्ड था तो कुछ सिंपल था सर। जीएस पार्ट से जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा हार्ड थे। प्रतिभा सिंह। किस तरह के पेपर आया था? पेपर बहुत अच्छा था, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, इजी था। सेक्शन वाइज कोई टफ? क्या सेक्शन वाइज टफ? मैथ था, इंग्लिश था और हिंदी था और जीएस था, यही जो मतलब जितना बोले थे उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया था सिलेबस उतना ही आया था। मेरा नाम कविता पटेल है। पेपर किस तरह आया? पेपर अच्छा था, बढ़िया था, जो मॉडरेट लेवल का था, जो पढ़ा होगा वो थोड़ा सा मेहनत में भी कर लेगा, आगे उसका हो जाएगा पॉसिबिलिटी। पूजा प्रजापति। किस तरह पेपर आया? पेपर काफ़ी इजी था। नो उतना टिपिकल नहीं था। 2021 की परीक्षा हुई है, इसमें हमारे जनपद में लगभग 81,000 कैंडिडेट अलॉटेड थे। दोनों मीटिंग में परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई है और दोनों मीटिंग में जो अपीयर्ड कैंडिडेट का प्रतिशत है वो लगभग 82% 82% है। इसका मतलब है कि परीक्षा बहुत ही सफलतापूर्वक, काफ़ी बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है और शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न हुई है।